सोलन में केंद्र की मोदी सरकार द्वारा 4 वर्षों में किसानों के हित के सोलन में केंद्र की मोदी सरकार द्वारा 4 वर्षों में किसानों के हित के लिए लिए गए निर्णयों पर किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी की अध्यक्षता सांसद वीरेंद्र कश्यप ने की। इस मौके पर जहां किसानों की आय को दुगना करने के लिए उनके विचार जाने गए, वहीं किसानों को उनके लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी भी दी गई। साथ ही केंद्र सरकार द्वारा MSP घोषित करने के फैसले का स्वागत किया गया। किसानों ने इस मौके पर सांसद वीरेंद्र कश्यप को टमाटर को भी न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत लाने का आग्रह किया। इस मौके पर सांसद वीरेंद्र कश्यप ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों की आय को दुगना करने का वायदा किया था, जिसके लिए केंद्र सरकार ने पहल कर दी है और किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 14 फसलों को शामिल किया गया है, जिससे देश के करोड़ों किसानों को लाभ होने वाला है। उन्होंने कहा कि जल्द ही इसमें हिमाचल की फसलों को भी शामिल करने का आग्रह किया जाएगा। सब्जी मंडी में APMC के परिसर में एक किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसमें किसानों की आमदनी 2022 तक डबल कैसे की जा सकती है, उस पर इस गोष्ठी में जो है किसानों के व्यूज़ भी लिए गए और हमने अपनी बात को भी वहां पर रखा है। खरीफ की फसल की जहां तक हम बात करते हैं, इसमें धान वगैरह आपका बाजरा से लेकर जो दालें हैं उड़द की हैं, चाहे वो मूंग की है, ये सब दालें वगैरह हैं। परंतु ये ठीक है कि हम प्रोड्यूसिंग स्टेट नहीं है, हमारे प्रदेश में जो है ये चीज़ें पैदा कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होती, किसान अपने तक ही जो उसको पैदा करता है। पर ये ठीक है कि उसका लाभ जो है वो हर किसान को मिलता है। जब एक कम्युनिटी, किसान कम्युनिटी को सारे देश में लाभ पहुंचा है, तो डेफिनेटली हिमाचल प्रदेश के किसान को भी उसका लाभ मिला है। सोलन से अमरप्रीत पुंज की रिपोर्ट।